एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको जिलेट वीनस रेजर के बारे में रिव्यू बताऊंगी। स्पेशली विमेंस के लिए डिजाइन किया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है कि शेविंग को लेकर आपका जो सोच है वो बदल जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो के अपलोड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ब्लू कलर का बहुत ही अट्रैक्टिव और डिसेंट पैकेजिंग है। इसमें 3 ब्लेड्स अवेलेबल हैं। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इससे हमें क्लोज और क्लीन शेव मिलेगा 1 स्ट्रोक में। ये डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रोथ पे। आप स्मॉल स्ट्रोक लें जिससे आपको क्लोज शेव मिलेगा। इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलोवेरा का स्ट्राइप्स हैं। ये वेट होने के कारण एक मॉइस्चराइजर, एक स्मूथनेस आ जाती है, तो शेविंग करते वक्त कट लगने का चांसेस बहुत ही कम है। इसकी MRP है 220 रुपीज। चलो मैं अब इसे ओपन करके दिखाती हूँ। एक ब्लू कलर की प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पर रबर हैंडल दिया है जिससे अच्छी ग्रिप मिल जाएगी, स्लिप नहीं होगा, और एंगल्ड नेक है, आपके कर्व्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, कट नहीं लगेगा। एंड इजीली चेंज कार्ट्रिज है, यहाँ से ओपन करके आप इस कार्ट्रिज को चेंज कर सकते हैं। और चेंज तब करना होगा, यहाँ पर दोनों तरफ एलोवेरा का स्ट्रिप दिया हुआ है, ये फेड हो जाएगा, उस टाइम आप इसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली हो सकता है अगर आप इसे सेफली पैक किया जाए। आर्म्स लेग्स पर आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसे यूज करने का तरीका। 2 तरीका है इसे यूज करने का। शेव जेल लगाकर फिर रेजर यूज करें। शेव जेल से एक थिक लेयर बन जाती है और इसमें टैन रिमूवल प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो आपके सन टैन को रिमूव कर देता है। शेव जेल यूज नहीं करना हो तो एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है। स्क्रब करने से अनवांटेड डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं, आपके स्किन में मॉइस्चराइज रहता है जिससे कट नहीं लगेगा। होममेड स्क्रब आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका स्किन ड्राई ना हो, हमेशा हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजर यूज करें। और अब मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस क्या है जिलेट वीनस रेजर यूज करने का। मेक श्योर कि आपका स्किन वेल मॉइस्चराइज्ड हो। अगर आप स्क्रब नहीं करोगे तो छोटे छोटे कट लग सकते हैं। मैंने एक्सफोलिएट नहीं किया था तो ये छोटे कट लग गया था। स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक से आपको क्लीन शेव हो जाएगा। रेजर यूज करने से ये फायदा है कि आपका टाइम और मनी दोनों ही सेव है। रेजर आपको वीकली वंस यूज करना होगा, पर वैक्सिंग 15 to 20 days तक चल जाएगा। ये आपके हेयर ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर हो तो शेव जेल लगाकर ही रेजर यूज करें ताकि आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।